नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ग्रह नक्षत्रों की चाल कुछ इस प्रकार बदली है कि राहु केतु भी आपके पक्ष में आ चुके हैं और दोस्तों अब आपके दुश्मन की खैर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिन आपके साथ में लोगों ने मनमानी कर ली है और बहुत ही आपको परेशान कर लिया है। दोस्तों, आपकी हर एक बात को लोग इग्नोर कर देते थे और दोस्तों आपको बार बार वे इंसान इंसल्ट करते हैं। अब दोस्तों उस कुत्ते का हीरोगिरी अब समाप्त होने वाली है। यूं कहें तो दोस्तों अब मौत के बहुत करीब आ चुका है। और इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, आपके जीवन काल में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। जो जिंदगी में इतने बड़े परिवर्तन आपने कभी नहीं देखा होगा। और आप सभी को मैं बता दूं कि यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर और पंचांग की गणना के बाद बनाई गई है। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके जय माता दी ज़रूर लिखे। और दोस्तों वीडियो को एक अपने सुंदर सुंदर हाथों से प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि इस वीडियो के बीच बीच में कुछ खास उपाय और सावधानियां बताई गई हैं, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना करें। जी हाँ दोस्तों, और हाँ आपको बता दूं कि जो जीवन में बदल रहे बदलाव हैं उससे दोस्तों आपका दुश्मन बड़ा ही हैरान रहने वाला है और वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस करने की गलती ना करें। दोस्तों लोग कई बार ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो उनके हद से बाहर होती है। दोस्तों कुछ लोग नया नया सीखते हैं लेकिन फिर भी वो उनके कोई भी काम का नहीं आता है। कुछ ऐसे ही माता रानी की दृष्टि आप पर पड़ी है कि बिना काम किए ही आपका काम बन जाएगा। दोस्तों कुछ खास सावधानियों के बारे में आपको रखना है जिससे माता रानी के साफ संकेत आपको पता लग सकें। और दोस्तों इन संकेतों के बाद में आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। दोस्तों लोगों की जीवन में समझ बस इतनी होती है कि किसी जानवर को हो तो वो नाराज़ हो जाता है और शेर को हो तो वो खुश हो जाता है। दोस्तों यदि मेरी ये विचार आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं आपके राशिफल के बारे में। अगले 3 दिनों में इस समय आपको किन चीज़ों को लेकर सावधान रहना होगा और दोस्तों किस प्रकार आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है और दोस्तों आप किस प्रकार दूसरों से बच सकते हैं। सावधान रहिए, युद्ध वक्त दोस्तों किसी के भी साथ में लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की आपको आर्थिक उत्थान ना हो। और दोस्तों इस समय आप लोग कई लंबी यात्राएं कर सकते हैं और दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है। कोई नया काम करने के लिए सोच रहे हैं तो अभी प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों अब सब कुछ नया सीखेंगे और अपने साथी विद्यार्थियों को भी अपनी सीखी हुई बातें बता सकते हैं। यात्रा करने के लिए ये समय बढ़िया रहेगा। ये 3 दिन दोस्तों आपके लिए ठीक ठाक रहेंगे। आपके बाहुबल में बढ़ोतरी होगी और आप बाहर जाना पसंद कर सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने साथ काम करने वाले कर्मियों के साथ में थोड़ा ध्यान रखना है, उनसे अच्छे संबंध बनाकर रखने से फ़ायदा होगा। और दोस्तों इन 3 दिनों में आपको जो है कुछ खास सावधानियां बताई जाती हैं कि आपको अधिक समय तक घर पे ही बैठकर बोर होने की जगह अपने शौक पूरे करने या फिर उन कामों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आए, क्योंकि दोस्तों इससे आप स्वयं को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रहने में सफल रहेंगे। शुरुआत में चंद्रमा की दृष्टि थोड़ी बदल सकती है। इस समय घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको अपना बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, परंतु इससे परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही आप परिवार के साथ में अपने रिश्ते बेहतर करने में भी सफल रहेंगे। दोस्तों आपका जो ये सप्ताह है, आपको बता दूं इन 3 दिनों में जो ये आपका सप्ताह बीत रहा है वे काफ़ी खास रहेगा। कुछ वक्त घर के बच्चे के साथ में भी बिताएं, ये आपको बेहतर अनुभव देगा। काम से जुड़ी हुई डेडलाइन पर ध्यान ना देने से दोस्तों तनाव और भाग दौड़ बढ़ सकता है। नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों पेट संबंधी दर्द अचानक से हो सकता है। आपकी लोकप्रियता अपने चरम पर होगी
और आप दूसरे पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। दोस्तों, आप दूसरे पर बहुत प्रभाव डालने की कोशिश भी करेंगे। यदि आप किसी कार्य के साथ में टकराव से बचेंगे तो आप व्यवसायिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति हासिल कर सकते हैं। आपके दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, आपका पारिवारिक जीवन बहुत शांतिपूर्ण और खुशहाल रहने वाला है। दोस्तों, शारीरिक और मानसिक थकान भावी रहेगी। इस समय अपने दो कमियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वह है दोस्तों गुस्सा और जिद्दी स्वभाव। खर्चों की अधिकता की वजह से कभी कभी मन कुछ परेशान रह सकता है। किसी भी वजह से यात्रा को टालना ही काफ़ी उचित रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। पति पत्नी के आपसी प्रयासों से घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। प्रेम प्रसंगों में भी मधुरता बढ़ी रहेगी। आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफ़ी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और आप इसके लिए उनका काफ़ी सम्मान भी करते हैं। बड़ी समस्या का हल दोस्तों किसी व्यक्ति की मदद से आज आपको प्राप्त होगा और आपके मन में जो विचार गलत उत्पन्न हो रहे हैं वो थोड़े से नकारात्मक विचार हैं। कुछ अच्छे विचार भी हैं, सकारात्मक विचार भी हैं। उन पर दोस्तों आपको पुनर्चिंतित करना यानी कि दोबारा से उसके बारे में सोच विचार करना अच्छा रहेगा। यदि नकारात्मक विचार है तो दोस्तों विचारों को जड़ से मिटाना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन आपके जीवन में जो विचार होते हैं वो थोड़े से अगर नकारात्मक हो तो जीवन दोस्तों उसी राह पर चलने लगता है। यानी कि दोस्तों जीवन में अगर लाख खुशियां हो लेकिन अगर मन ही आपका खुश नहीं रहेगा तो फिर धीरे धीरे जीवन में जो खुशियां हैं वो भी धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये करना होता है जीवन में कि अपने मन को आपको खुश रखना बहुत ज़रूरी रहेगा और अपने मन के नकारात्मक विचारों को दूर करना, अपने मन से उन्हें निकाल देना। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय हम आपको ये बता देते हैं कि जितना आपसे हो सके उतना आपको भक्ति में हो जाना चाहिए, यानी कि प्रभु की आराधना करनी है, उनकी शरण में जाना है। और आपको बता दें कि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, भजन कीर्तन में जा सकते हैं, खाटू श्याम जी के भजन सुन सकते हैं। इन चीज़ों से जो मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, नकारात्मक चीज़ें होती हैं, वो सब दूर हट जाते हैं और मन में एक नई किरण जागती है जिससे आपका मन और प्रफुल्लित होता है और आपके जीवन में आप खुश रहना सीख जाते हैं। मन में एक उम्मीद रहती है, आशा रहती है और जीवन में आपके जो खुशियाँ हैं उनका आप आनंद लेना सीख जाते हैं। परिवार के साथ में भी बैठिए, बातें करिए, उनके साथ में थोड़ा समय व्यतीत करिए और परिवार के लोग कितने खुश हैं, किन चीज़ों को लेकर दुखी हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप पुनः एक नई तरीके से जीवन देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी इससे और इस समय में बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है। इस कारण आपका लक्ष्य की ओर बढ़ना आपके लिए और अच्छे से संभव हो पा रहा है। अपने कार्य क्षमता और योग्यता के लिए बेहतर परिणाम आपको हासिल हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपनी बातों का और अपनी चीज़ों का बखान ना करें। अपने गुस्से पर और अपने ईगो पर काबू रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे आगे तक जाने वाले इंसान बनेंगे, यानी कि अपने जीवन में आगे तक आप कुछ पा पाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।